नमस्कार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आने वाली 21 अक्टूबर को हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन हैं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें, अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में, उनको विजयी बनाएं। आप सब लोग देख रहे होंगे कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जब ये तीन बारी गुजरात के सीएम रहे और एक बारी पहले प्रधानमंत्री, एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, दूसरा कार्यकाल उनका यहाँ पर चल रहा है। आपने देखा इनकी जो एसेट्स है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो वैसे की वैसे ही है। आज भी इनके जो भाई हैं वह उसी तरीके से नौकरी, उसी तरीके से दुकान और उसी तरीके से छोटे घर में रह रहे हैं। उनकी माता श्री जी हैं, उनके घर में आज भी प्लास्टिक की कुर्सी है। इन्होंने कोई अपना धनाढ्य नहीं बनाया, अपने घर की एसेट्स नहीं बनाई, अपना पैसा नहीं इकट्ठा किया, इन्होंने केवल और केवल देश के बारे में सोचा। आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, चाहे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, कोई सी भी कंट्री है, फ्रांस है, वह सब लोग भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, भारत को कंधों पर बैठाना चाहते हैं। आज हमारा जो पड़ोसी देश है जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा, उसकी कोई वक्त नहीं है, अगर हमारे देश को, भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कोई लेकर गया है, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ही राइफल लेकर आए हैं, जो कि अभी दशहरे के दिन में हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी खुद राइफल में बैठ के 35 मिनट की उन्होंने उसके अंदर उड़ान भरी और वहां पर हमारे हिंदू धर्म से उसका पूजा पाठ किया। और राइफल अभी जो तुरंत कुछ महीनों में, कुछ टाइम में 36 राइफल हमारे यहाँ आने वाले हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इतनी बढ़िया छवि के हैं कि जब वह पहली बारी प्राइम मिनिस्टर बने तो वह जब संसद में गए पहले दिन उन्होंने झुक के माथे से संसद को प्रणाम किया, नमन किया। उन्होंने कहा यह हमारे विधान की हमारे मंदिर है, उसको पूज कर फिर वह अंदर गए। ऐसे विचार आज तक हमने किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं देखे। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं या सीएम हैं, किसी पे करोड़ों रुपया है, किसी पे अरबों रुपया है, किसी के बच्चे कहाँ हो गए, उन्होंने ना अपने परिवार के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया, ना अपनी मदर के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया, ना कोई किसी तरीके की एसेट्स बनाई। केवल और केवल उन्होंने हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा की, उनकी परवाह करी। आज भी अब हमारे देश को कहीं पर भी कोई भी आदमी संबोधित करता है, बड़े नाम से संबोधित करता है। पहले चाइना ने भी कहा कि मैं पाकिस्तान और आपके बीच में इंटरफेरेंस करूंगा, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि चाइना ने मना कर दिया। ये आप दो दोस्तों की बात है, आप आपस में बात बैठ कर करें। आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर जो ख्याति प्राप्त की है, जो अपनी बात को रखा है, उसको पूरा विश्व मान रहा है। ये ऐसा तब हुआ है जब कोई आदमी सच्चा और निष्ठावान होता है, ईमानदार होता है, तभी और लोग भी उसको अपनाते हैं। आज हमारे पूरे भारत में घर घर में स्त्री पुरुष, बालक बालिका, नर नारी नरेंद्र मोदी जी को मानता है, उनका सम्मान करता है, उनकी इज्जत करता है। आज नरेंद्र मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो मोदी 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 के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। जबकि कहीं पर भी आप देखेंगे किसी पॉलिटिकल आदमी को तो वो लोगों को हायर कर लेकर आता है। विदेश में कौन आदमी 50,000 आदमी को कोई हायर कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि आज हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो यूथ है, उनके अंदर जन जागरण आ चुका है, उनको सारी बात सच्चाई पता चल चुकी है कि कौन हमारे देश के लिए हितकर है और कौन हमारे देश के लिए अहितकर है। यही कारण है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है वह आदरणीय रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी के नाम से होता है। अभी आपने देखा कि जो 302 304 सीटें लोकसभा में आई हैं, उसी तरीके से अभी आप हरियाणा में देखिए जो 10 सीटें थी लोकसभा की, वह 10 की 10 भारतीय जनता के पास आई। दिल्ली के अंदर 7 सीट थी लोकसभा की, 7 की 7 भारतीय जनता के पास आई। कारण क्योंकि उनकी निष्ठा, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उन्होंने जो भी कुछ किया देश के लिए किया, हमारे लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया। आज भी उनका टारगेट है कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी कोई झुग्गी झोंपड़ी, कोई आदमी ऐसा गरीब नहीं रहना चाहिए जिसके पास घर ना हो, जिसके पास छत ना हो। मैं सुधीर कुमार गहरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय गहरा समाज जागृति परिषद की ओर से, अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बारम्बार आपसे निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है,
21 अक्टूबर को आप अधिक से अधिक वोटिंग करें और अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।